त्योहारों का सीजन है, दिवाली को लेकर ये रिपोर्ट आपने देखी और अब जो त्योहार आ रहे हैं, मिठाई के बिना इन त्योहारों का मजा अधूरा होता है। ऐसे में मिठाई की दुकानों पर मिलावटखोरी की एक तस्वीर शामली में देखने को मिली। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं आखिर क्या कुछ तस्वीरें कैद हुई। कहते हैं दिवाली अंधकार पर प्रकाश की जीत का त्योहार है, लेकिन दिवाली के मौके पर बाजार में उपलब्ध मिठाइयां कहीं आपके जीवन में अंधकार ना घोल दें। शामली में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। बाजार में उपलब्ध मिठाइयों में जमकर मिलावटखोरी का काम किया जा रहा है। मिठाई कारोबारी दूध में पाउडर, नकली घी और रिफाइंड मिलाकर मावा, नकली पनीर से बने रसगुल्ले बाजार में धड़ल्ले से बेच रही है। नकली मेवे तैयार करते ये कारीगर कैमरे में कैद हो गए। दरअसल दिवाली के मौके पर बाजार में दूध से बने मेवे, घी, दही, पनीर, मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में नकली खाद्य सामग्री का धंधा भी जोर पकड़ लेता है। नकली मेवे तैयार करने वाले कारीगर की माने तो दिवाली के मौके पर दूध की खपत से ज्यादा मेवे के ऑर्डर आते हैं। ऐसे में हर रोज करीब 2.5 क्विंटल नकली मेवे बाजार में बेचे जा रहे हैं। मार्केट में तो लावे पाउडर घी वगैरह वगैरह केर के और चार कर दे भाई, तुम्हारा रे ज्यादा डिमांड है मावे की। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते इन नकली मेवे के कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन भी इन्हें रोकने में अब तक नाकाम साबित हो रही है। इधर जब फूड अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश की गई, तो उच्च अधिकारियों का हवाला देते हुए इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। शामली से खबरें अभी तक के लिए श्रवण सैनी की रिपोर्ट।